दिव्य लोक आश्रम पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में विश्व जागृति मिशन के प्रधान राकेश अग्रवाल एवं महिला प्रधान शोभा अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की अध्यक्षता की। मिशन के प्रधान राकेश अग्रवाल एवं शोभा अग्रवाल ने बताया कि 5 अगस्त की सुबह 8 बजे से 7 बजे तक 51 घंटे का अखंड पंचांग छर मंत्र का जाप होगा, जिसमें शहर के गणमान्य भक्त भी शामिल होंगे। 7 अगस्त की सुबह 10 बजे से पार्थिव शिवलिंग बनाकर सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। शोभा अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक रुद्राभिषेक में 108 जोड़े भाग लेंगे और धर्म लाभ कमाएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन अखंड पंचांग छर मंत्र का जाप होगा, दूसरे दिन भी जाप चलेगा और तीसरे दिन सामूहिक रुद्राभिषेक होगा। प्रेस वार्ता में प्रधान राकेश अग्रवाल, महिला प्रधान शोभा अग्रवाल, पूनम गुलाटी, मीरा अग्रवाल, सुनीता मंगला, सुनीता छाबड़ा, आशा भंडूला, मधु चौधरी, रितु, कांता, सुमन लता, सत्या विदुला, गीता अग्रवाल, हरिशंकर, उदयराज पांडे, आर के गंगवार ने सहयोग किया। प्रेस वार्ता के आयोजक विवेक शर्मा एवं मनीष गुप्ता संयुक्त रूप से रहे। पंडित लोकेश शर्मा ने गायों का पूजन कराया। कार्यक्रम कहाँ किया जाए? मेरा नाम शोभा अग्रवाल, महिला प्रधान विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल। यह दिव्यलोक आश्रम जो कि हमारा सुधांशु जी महाराज पूज्य गुरुवर के द्वारा स्थापित किया गया है सन 2019 में, ये 1999 में स्थापित किया गया है। उसी के तत्वाधान में दिव्यलोक आश्रम, जिसकी भिन्न भिन्न और संस्थाएं हैं यहाँ पे चलती रहती हैं, भिन्न भिन्न यहाँ पे गतिविधियाँ काफ़ी चलती रहती हैं, उसी के अंतर्गत विश्व नाथ शिव मंदिर के अंतर्गत इसके प्रांगण में ओम नमः शिवाय का अखंड जाप 51 घंटे का यहाँ पर चलेगा। यही एक आकर्षण का मुख्य विषय यहाँ पर है, जो शायद मुरादाबाद में अभी से आज तक अभी तक नहीं हुआ है। इसकी हमने कोशिश की है पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से। हम सभी विश्व पर जागृति मिशन के परिवार के सदस्यों ने मिलकर ये कोशिश की है और इसमें हमारे सभी नगरवासी, सभी श्रद्धालु, भक्तजन इसमें हमारा साथ देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। महानगर की ये पूरा कार्यक्रम महानगर के लिए ही हो रहा है और महानगर के सभी नागरिकों को, श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को इसमें अवश्य ही आना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, इसे समझना चाहिए। क्या श्रद्धालुओं को अपने पास सामग्री लानी होगी या ऐसा अवेलेबल? यहाँ पर सारी सामग्री पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे 7 तारीख को सुबह 10 बजे से, पूरी सामग्री यहाँ पर कार्यालय पर यहाँ पर सब मिलेगी, यहाँ पर सब उपलब्ध है सारी सामग्री। यहाँ पे विभिन्न नदियों के जल, समुद्र का जल और जो भी तीर्थों का जल है वो इकट्ठा किया गया है। बांबी की मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, उसको मंगवाया गया है जंगलों से मिट्टी, बांबी की मिट्टी, दीमक की मिट्टी जो बांबी बनाती है दीमक, उसकी मिट्टी प्राप्त हो गए। गुरुवर का आशीर्वाद वचन प्राप्त होंगे हमें यहाँ 7 तारीख को दोपहर 12 बजे। समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो पत्रकार हैं सभी का बहुत रूप से धन्यवाद और बहुत स्वागत है कार्यक्रम के लिए। जैसा आप लोगों को विदित भी है और ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है जो 5 तारीख को शुरू होगा, 5 अगस्त से 7 अगस्त तक रहेगा। 5, 6, 7 जो यहाँ पर ओम नमो शिवाय का जाप होगा, 51 घंटे ये जाप चलेगा। कितने दिन का कार्यक्रम? ये 3 दिन का कार्यक्रम है भैया और 7 तारीख को सामूहिक रुद्राभिषेक 108 जोड़ों के साथ मनाया जाएगा, जिसमें जगह जगह से जो चीज़ ज़रूरत होती है, गंगा जल की, समुद्र के जल की और विभिन्न नदियों के पानी की, वो एकत्रित करी गई है। कितने लोगों के शामिल होने वाले हैं इसमें? उम्मीद तो ये है कि काफ़ी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। 108 तो जोड़े ही हैं जो इस कार्यक्रम में बैठ के सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करेंगे, बाकी सब लोग उसमें बैठ के धर्म लाभ लेंगे। कार्यक्रम का आकर्षण क्या रहेगा? मेन तो आकर्षण ये है कि 51 घंटे जाप चलेगा, कंटिन्यूशन चलेगा बिल्कुल, और 7 तारीख को 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि सभी 7 को 5 को तो खाली जाप होगा,
सात को रुद्राभिषेक होगा, पाँच और छः जो है जाप चलेगा ओम नमो शिवाय का, जिसमें सारे धर्म प्रेमी भाग ले सकते हैं और विद्या जागृति मिशन से जो जुड़े हुए सब लोग हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। बाकी हमारी ये कोशिश है कि इसमें मुरादाबाद से ज़्यादा सामूहिक रूप से लोग जुड़ें और इसके धर्म लाभ ले में और इसको समझने की और देखने की कोशिश करें।